उज्जैन की जीवन रेखा शिप्रा नदी को भले ही पुण्य सलिला और मोक्षदायिनी कहा जाता है, पर असल में हकीकत जुदा है। दरअसल शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर पिछले करीब डेढ़ दशक में पानी की तरह पैसा बहाने के बाद शिप्रा साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में संत समाज को शिप्रा के तट पर धरना देना पड़ रहा है। गुरुवार को अवंतिका तीर्थ नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए संत समाज ने एकजुट होकर शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर दत्ताखा घाट पर धरना दिया। इस दौरान विधायक महेश परमार शिप्रा शुद्धिकरण के लिए दिए जा रहे साधु संतों के इस धरने में शामिल हुए और शिप्रा के प्रदूषण के लिए सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल अब देखना यह है कि साधु संतों की ये हुंकार क्या रंग लाती है, क्योंकि करोड़ों खर्चा करने के बाद भी शहर के नालों से शिप्रा दूषित हो रही है। यहां आपको बता दें कि शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कई प्रोजेक्ट बने, करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए, पर शिप्रा की हालत बद से बदतर होती चली गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदूषित हो रही शिप्रा की सुध नहीं ली। वहीं विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शिप्रा की दुर्दशा पर मौन रहे। ऐसे में मोक्षदायिनी शिप्रा के मोक्ष के लिए बड़े आंदोलन की दरकार है। हालांकि अब देखना यह है कि साधु संतों का ये धरना शासन प्रशासन को कितना शर्मसार करता है या फिर बेशर्माई जारी रहेगी। अध्यक्ष आपके आशीर्वाद से था, मैं केंद्रीय संयुक्त कमेटी में था, उस समय भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लगातार ये मुझे लगता है इससे बड़ा मंच ये राजनीतिक मंच नहीं है। इस इतने पूजनीय संत जन यहाँ पर विराजित है और आप लोगों को मां छिप्रा के लिए आना पड़ा तो उज्जैन के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको समझना चाहिए। तत्काल आपके श्री चरणों में नमन करके, क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, लेकिन भगवान महाकाल की नगरी को और मां छिप्रा के लिए लड़ाई आप लोगों को लड़ना चाहिए। हैंड डाइवर्सन जितने भी नाले मां छिप्रा में मिल रहे हैं उनके लिए लगातार 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया। जब जिला पंचायत का अध्यक्ष आपके आशीर्वाद से था, मैं केंद्रीय संयुक्त कमेटी में था, उस समय भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लगातार ये मुझे लगता है इससे बड़ा